सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। कीड़े के काटने पर क्या होता है? जब हमें कोई कीड़ा काटता है तो त्वचा में छेद सा हो जाता है और डंक मारने पर डंक वाले स्थान पर की त्वचा फूल जाती है। मच्छर अथवा मक्खियों का दंश अधिक हानिकारक नहीं होता पर इससे त्वचा अवश्य प्रभावित हो जाती है, लेकिन मधुमक्खी एवं चींटी आदि के काटने पर दर्द होता है। कभी कभी इनके डंक मारने का भयंकर परिणाम भी भुगतना पड़ता है। कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। काले मकड़े की गिनती सबसे खतरनाक कीट के रूप में होती है क्योंकि इसके काटने से मौत भी हो सकती है। आम कीट दमनश, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, मधुमक्खी, घुन आदि आम कीटों के काटने से एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है। कीड़ा काटने के लक्षण: सूजन होना, काटे गए स्थान पर दर्द, उस जगह की त्वचा का लाल होना, खुजली, जलन, चक्कते, सुन्न होना, सिहरन की अनुभूति, कमजोरी, कड़ापन व जोड़ों में दर्द, ऐंठन, सांस फूलना, उल्टी आना आदि कीट काटने के लक्षण हैं। कीट दंश के घरेलू उपाय: शहद। शहद में कीट के दर्द को काटने की क्षमता होती है। इसे कीट के दंश की जगह पर लगाने से खुजली, दर्द व संक्रमण से बचाव होता है। एक साफ रुई में शहद लेकर उसे काटे गए स्थान पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ने से दर्द व जलन से आराम मिलता है। सेब का सिरका और नींबू के रुपए का मिश्रण प्रभावित त्वचा पर लगाने से भी आराम मिलता है। एलोवेरा कीट के काटने पर कव्वार पठा एलोवेरा का लेप दर्द व सूजन से निजात दिलाने का प्राकृतिक उपाय है। ताजे पत्ते को काट कर खोलें और रुपए का प्रभावित जगह पर लेप करें। प्याज। प्याज में भी कुछ ऐसे घटक होते हैं जो दर्द व जलन बढ़ाने वाले यौगिकों को कम करते हैं, इसलिए प्याज के टुकड़े को प्रभावित जगह पर लगाने से आराम मिलता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में पानी की कुछ बूंदें मिलाकर उसका पेस्ट त्वचा पर लगाने से भी कीट के दंश का असर कम हो जाता है। पपीता। पपीते में औषधीय गुण होता है जो सूजन व कीट दंश का असर कम करने में काफी सहायक होता है। अन्य उपाय: टी ट्री से निकाला गया तेल भी कीट के दंश के समय अत्यंत लाभकारी होता है। इसे प्रभावित जगह पर लगाने से सूजन और दर्द में कमी होती है। कीड़े के काटी हुई जगह पर 15 से 20 मिनट तक बर्फ से सिकाई करने से दर्द और जलन में कमी आती है, इससे सूजन और खुजली कम होती है। टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा और पुदीने का अंश होता है, इसे भी प्रभावित जगह पर लगाया जाए तो दर्द में काफी राहत मिलती है। लेवेंडर के तेल को रुई में लगाकर प्रभावित अंग पर लगाया जाए तो उससे खुजली व सूजन में काफी राहत मिलती है।